रहा है। तो फिर कैसे मर गई? मरने वाला करोड़ों करोड़ लोग है, कोई कहाँ जंगल पहाड़ में है, कोई कहाँ मर गया। घर में खाना पीना है, वो बात नहीं है। देखिए अब आप एकदम जो है बाल की खाल को मत निकालिए यदि। अच्छा, भूख से तरफ तरफ सुनिए, मरी मरी प्रोपेगेंडा है। वो भूख से बिलखती रही, मंत्री जी बल्ला लेके बल्ला घुमाते रहे। वो भूख से तड़पती रही, मंत्री जी बॉल लेके स्टेडियम में बॉल फेंकते रहे। और भूख से तड़प तड़प कर कल रात उसकी मौत हो गई। उसकी छोटी बेटी भी उसके घर में भूख से तड़प रही है। मंत्री जी नया ट्रैक सूट पहन के बहुत खुश हैं। साथ में एडिडास का जूता भी है, एडिडास का टी शर्ट भी है, एडिडास का लोअर भी है। मंत्री जी के उस कीट की जितनी कीमत है, उतनी कीमत में उस परिवार का महीनों का राशन आ सकता था। आगे देखिएगा, जब भूख से वो बिलखती रही, मंत्री जी का बल्ला चलता रहा। आज पूछेंगे उसी मंत्री जी से सवाल कि भूख से जब कोई मरता है, आपके आंखों का आंसू सूख जाता है? दुगिया देवी के बारे में जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जान रहा। दुगिया देवी कौन है पता है? नहीं पता। जब कल आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय दुगिया देवी तड़प रही थी, भूख से बिलख रही थी, मर गई आज सुबह में। तो जानते नहीं कौन थे? भूख से मरी है। घर घर में खदान मिल रहा था, भूख मरने के समय है, कल थोड़ी तो आपके अधिकारी जाएंगे तब ना, आपके राशन कार्ड मिलेगा तब ना, वृद्धा पेंशन मिलेगा तब ना, ये सब तो मिला नहीं। घरे घर राशन कार्ड, घरे घर खदान से पहुँचाया जा रहा है। फिर कैसे मर गई? मरने वाला करोड़ों करोड़ लोग है, कोई कहाँ जंगल पहाड़ में है, कौन कहाँ मर गया। एक आदमी के पीछे एक आदमी लगा हुआ नहीं ना। आप जिस रास्ते से चतरा जाते हैं उसी रास्ते में पड़ता है, मांडर में मसमानो गांव है, कभी मौका मिले तो जाइएगा। दुगिया देवी नाम है, उसकी बेटी भी अभी भूख से बिलख रही है। सब देख लेते हैं उसको। देखते हैं उसको। जितना का आप लोगों का कीट था ना, उतना में उसका पूरा महीने भर का खाना आ जाता सर। अच्छा, देख लेते हैं संज्ञान में। नहीं नहीं, अभी आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है ये बताइए। बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? घर में खाना पीना है? आदमी सब देता है कोई कोई। अच्छा, ये राशन कार्ड वाला चावल आप लोग को नहीं मिलता है? कार्ड है आप लोग का? नहीं। अच्छा, जहाँ पहले रहते थे वहाँ था? नहीं। वहाँ भी नहीं था? अरे, यहाँ भी नहीं है। तो आप लोग का खाना पीना जो इसी तरह जो गांव वाला देते हैं उसी से चलता है? तो सबका देखभाल आप ही कर रहे हैं? दुगिया देवी को जानते हैं? ना ना, नहीं जान रहे। जब कल आप टॉस जीतने के बाद चिल्ला रहे थे उर बैटिंग बैटिंग बैटिंग, उस समय दुगिया देवी अपने घर में भूख से तड़प रही थी, तड़प तड़प कर कल रात में उसकी मौत हो गई। उसके घर में पिछले एक महीने से राशन नहीं था। उसकी बेटी भूख की वजह से मानसिक संतुलन खो दी है। जिला रांची है, प्रखंड मांडर है, गांव मासमानो है। कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर यदि ऐसी कोई घटना घटी है तो ये मानवता के प्रति हम कहेंगे कि ये अभिशाप है। और यदि ऐसी घटना है जो, चूंकि आप बता रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं तो इसकी जो है सत्यता की जाँच की जाएगी। और यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये एक मानव मूल्यों के ऊपर खतरा है। इसको जरूर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार जरूर करेंगे, देखेंगे और इस पर जरूर इमीडिएट इस पर निर्णय होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके कुछ दूसरे ही कारण होंगे। सवाल ये है कि आप भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, सवाल तो पूछ ही सकते हैं आपसे, डर काहे का। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग जितना कीट में खर्चा किए, उतना में तो कितने लोगों का घर का जो है राशन आ जाता महीनों का? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए अब आप एकदम जो है बाल की खाल को मत निकालिए। यदि वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें आएंगी ना, पीएम रिपोर्ट आई है क्या? पोस्टमार्टम जगह पे यही चीज कांग्रेस जब बीजेपी की सरकार थी तो आप लोग उठाते। सरकार नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रमाणित करेगी ना कि पेट में अन्न था कि नहीं था। ये केवल आपके बोलने से थोड़ी हम मान लेंगे। मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। अच्छा,
मतलब बेटी इस तरह से बोल रही है। हाँ। तो आप लोग गांव वाले लोग किस तरह से इन लोगों का सहायता कर रहे हैं? इनको थोड़ा बहुत कोई चावल कोई कपड़ा इसे और इन... क्या कर सकता है, दवा भी करा नहीं सकता है। दुगिया देवी के बारे में जानते हैं? अब हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि जब आप लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे जी जी, ठीक है, जब एकदम चकाचक आ रहे, आप जो क्या बोलना चाह रहे हैं आगे बताइए ना, क्या हुआ? दुगिया देवी भूख से तरफ तरफ सुनिए, मरी मरी प्रोपेगंडा है, प्रोपेगंडा नहीं है। नहीं, भूख से कोई नहीं मर सकता हमारे राज्य में, मैं मान नहीं सकता, इसीलिए मैं पूछा था आपसे क्या पूछना है बताइए। भूख से कोई नहीं मर सकता है जी, हमारे राज्य में हमारी कैमरा जो है झूठ बोल रही है, हमारे राज्य उस घर का परिवार वाला झूठ बोल रहा है, ये आरोप लगाया होगा भाजपा वाले ने। भाजपा के समय में भूख से लोग मरा है ये मैं जानता हूँ, हमारे राज्य में अनाज की कमी नहीं है, पर्याप्त अनाज है। अब तो यहाँ तक कि लोग जो है हमारा जो गरीब का अनाज है, गरीब लोग बेच रहे हैं उस अनाज को, इतना अनाज है। तो आप मानते हैं कि दुगिया नहीं मरी है? भूख से नहीं मरी। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी आपने, इस दुनिया में इस देश में लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़े होता है कि सबकी चिंता आप करते रहें। लेकिन मंत्री जी, जब चुनाव का वक्त आता है तो इन्हीं लोगों के दरवाजे तक आप जाते हैं, खटखटाते हैं दरवाजे को, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं, उनके पैरों में गिरते हैं, एक वोट दे दीजिए, एक वोट दे दीजिए, एक बार एमएलए बना दीजिए। और जब एमएलए बनते हैं तो इस तरह के विधानसभा में आते हैं, और बाहर जब आप आते हैं तो कोई पत्रकार आपसे ये सवाल पूछता है, दुगिया भूख से मर गई, क्या कहेंगे मंत्री जी? तो आपका जवाब रहता है, लाखों करोड़ों लोग रोजाना मरते हैं, हम क्या करें? तो जनता जनार्दन मालिक है, वो सब देख रही है और उसको हम दिखा भी रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारी ये बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी। नमस्कार।